जाति पाति पूछे नहीं कोई, जो हरि को भजे सो हरि को होई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जो हरि को भजे सो हरि को होई। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम सर आज यूपीएससी के अपने सिलेबस से भटक के भला आध्यात्मिक बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो दोहा है ये श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा आज से लगभग 700 वर्ष पहले भक्ति आंदोलन के दौरान बोला गया था। मित्रों, भक्ति आंदोलन ये हमेशा हमारे मन में एक जिज्ञासा का विषय रहता है। भला मित्रों, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की उपासना, ये तो भारतीय परंपरा में बहुत पहले से मौजूद थी। तो फिर 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी में आते आते, 8वीं और 9वीं शताब्दी में आते आते ऐसा क्या हो गया था जिसके चलते हमने भक्ति शब्द के साथ आंदोलन शब्द का प्रयोग किया? क्या ईश्वर की भक्ति या ईश्वर की उपासना में कोई बदलाव आ गया था, या कोई भक्ति आंदोलन के साथ ऐसी क्रांतिकारी बात जुड़ चुकी थी जिसके चलते ईश्वर की भक्ति या उपासना की पद्धति के साथ हमने आंदोलन शब्द को जोड़ा? आखिरकार इसके पीछे का रहस्य क्या है? ईश्वर की भक्ति भारतीय परंपरा में इतने समय पहले से मौजूद थी तो फिर इस शब्द के साथ आंदोलन क्यों जुड़ा? क्योंकि मित्रों, अधिकतर जो भक्ति संत थे वो आध्यात्मिक गुरु तो थे ही सही, वे स्पिरिचुअल लीडर्स तो थे ही सही, लेकिन उसके साथ साथ वे समाज सुधारक भी थे, वो सोशल रिफॉर्मर्स भी थे। मित्रों, वो आध्यात्मिक गुरु भी थे, वे ईश्वर की उपासना, वे ईश्वर की भक्ति में लुप्त होने की बात करते थे और वे ऐसा मानते थे कि सच्ची भक्ति के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। वे भगवान के प्रति सच्चे प्रेम, सच्चे हृदय से भक्ति को आवश्यक मानते थे। वे मानते थे कि भगवान का वास हृदय में है, ना कि मंदिर और तीर्थ स्थलों में। वे मोक्ष की प्राप्ति के लिए ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण को आवश्यक मानते थे। वे ईश्वर की भक्ति में लीन होने की बात करते थे और वे उनके सभी फॉलोवर्स से ये बोलते थे कि व्यक्ति के मन के अंदर सच्ची भक्ति का उदय तब होता है जब वे किसी के पैर पकड़कर स्वयं को निछावर करके ईश्वर की भक्ति में लीन होना चाहता है। तो बिल्कुल भक्ति आंदोलन के दौरान आए संत अपने आप में आध्यात्मिक गुरु थे। लेकिन मित्रों, एक और बात हमें याद रखना चाहिए कि अधिकतर भक्ति संत, भले वो अलवार संत हो या फिर नायनार संत हो या फिर वो सेठ धन्ना हो या वो सेन हो या फिर वो कबीर संत हो, ये अधिकतर भक्ति आंदोलन के दौरान आने वाले संत समाज सुधारक भी थे, सोशल रिफॉर्मर्स भी थे। इनमें वर्ण व्यवस्था के खिलाफ एक तिरस्कार का भाव था। वर्ण व्यवस्था की जो सामाजिक असमानता थी, भारत जाति और वर्ण में विभाजित था, उसके खिलाफ इनमें एक आक्रोश था, इनमें गुस्से का भाव था। क्योंकि इनमें से अधिकतर संत निचली जातियों से आते थे, दे केम फ्रॉम द लोअर क्लासेस, तथा कथित लोअर क्लासेस और फ्रॉम द हम्बल बैकग्राउंड। क्योंकि अधिकतर इनमें से संत निचली जाति से आते थे, इसलिए उन्होंने सोशल इक्वलिटी की मांग उठा दी, इसलिए उन्होंने सामाजिक असमानता को दूर करने की बात कर दी और इक्वलिटी को स्थापित करने की बात कर दी। इन्होंने बात कर दी कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, जो हरि को भजे सो हरि को होई, कि ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर की प्राप्ति में भला जाति पाति कैसे इंपोर्टेंट हो सकती है, जो हरि को भजता है वो हरि का हो जाता है। इन्होंने इस बात पे जोर दिया कि बिना जाति संप्रदाय और लिंग के भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है यदि उसमें ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था और सच्चा प्रेम है। इसलिए एक और दोहा मैं आपको बताऊंगा, एक रक्त से बने हैं को ब्राह्मण को सूदा, एक रक्त से बने हैं को ब्राह्मण को सूदा, कि भले वो ब्राह्मण हो या भले वो शूद्र हो, वो तो एक ही रक्त से बने हैं और ईश्वर की भक्ति में भला जाति पाति कहां से आ गई। तो मित्रों, हमें ये बात याद रखना चाहिए
कि भक्ति आंदोलन के दौरान सामाजिक समानता की मांग उठाना, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ एक तिरस्कार का भाव रखना ही भक्ति को एक आंदोलन का रूप दे देता है। इसलिए भक्ति आंदोलन के दौरान जहां एक तरफ ये आध्यात्मिक गुरु भी थे जो कि ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था, प्रेम, विश्वास की बात और समर्पण की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ ये अपने आप में समाज सुधारक भी थे। ये अपनी सामाजिक समानता को स्थापित करना चाहते थे, अपनी सोशल स्टेटस को मजबूत करना चाहते थे और उसी के साथ साथ वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के खिलाफ इनमें आक्रोश था। इसीलिए कहा जाता है भक्ति आंदोलन वाज आल्सो एन एक्सप्रेशन ऑफ पीपल डिसकंटेंट अगेंस्ट द वर्ण सिस्टम, कि भक्ति आंदोलन जन असंतोष की अभिव्यक्ति भी थी। जन असंतोष भला किसके खिलाफ? जन असंतोष वर्ण व्यवस्था की जटिलता के खिलाफ। इसलिए मित्रों ये आंदोलन का रूप भी ले लेता है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जो हरि को भजे सो हरि को होई, एक रक्त से बने हैं को ब्राह्मण को सुदा। याद रखिएगा कि भक्ति आंदोलन के जो संत थे वो स्पिरिचुअल लीडर्स भी थे और अपने आप में समाज सुधारक भी। मित्रों भारत के इतिहास के बारे में एक बड़ी ही रोचक बात है। हमने भारत के प्राचीन इतिहास में जैन धर्म और बुद्ध धर्म के द्वारा लाए गए समाज सुधार को भी देखा, सोशल रिफॉर्म को भी देखा। हमने भक्ति सूफी आंदोलन के मध्य में सामाजिक समानता की मांग उठाने को भी देखा। और भला हम 19वीं शताब्दी के समाज और धर्म सुधार आंदोलन के बारे में कैसे भूल सकते हैं? तो भले वो इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री रही हो या मिडिवल हिस्ट्री रही हो या मॉडर्न हिस्ट्री रही हो, तीनों दौर में हमने सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स को जारी रखा, सामाजिक और धार्मिक सुधार को जारी रखा। आज मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इस प्रश्न के ऊपर अंतः चिंतन करें कि हर युग में भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, आज के 21वीं शताब्दी के इस चरण में भारत को अपने चौथे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, चौथे सामाजिक और धर्म सुधार आंदोलन की आवश्यकता है? आपकी राय जानने का मुझे कमेंट बॉक्स में इंतजार है। तो इसी तरीके की और भी अधिक इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप अनुज गर्ग कोचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।